हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन क्लासेस रिसर्च एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 3, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट आज हम इसमें पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्म बाय व्हाट प्लेन। तो अब यहां हमने अगर बात किया कि दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, कौन कौन से? रेगुलर एंड इरेगुलर। इरेगुलर को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जब रिफ्लेक्शन होते हैं तो इमेज फॉर्म कैसे होता है। तो इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाते हैं? तो प्लेन मिरर जो इमेज होता है, इमेज द इरेक्ट बनता है, उसका इरेक्ट इमेज बनता है। द इमेज द सेम साइज एंड द ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का इमेज बनाता है। द इमेज इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी मिरर के सामने जितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर क्या होगा, उसका इमेज भी बनेगा। यानी यह दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तीसरा होता है द इमेज इज द वर्चुअल, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, क्योंकि यहाँ पे इमेज वर्चुअल होता है क्योंकि इसमें स्क्रीन नहीं होता है। और तीसरा होता है द इमेज इज द लैटरली इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्टेड होता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर मिरर सामने अगर हम ऐसे पंजा रखते हैं तो इमेज ऐसे आता है, इसका मतलब जो लेफ्ट पोजीशन होगा राइट में आ जाता है, जो राइट पोजीशन होगा कितना लेफ्ट होता है। तो इस कंडीशन में कहते हैं लेटरल इन्वर्टेड इमेज। ओके, अब इसमें यह है टाइप ऑफ मिरर की बात किया है। तो टाइप ऑफ मिरर अगर हम बात करें तो टू टाइप ऑफ द मिरर। तो अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर जो है दो तरह का होता है, जिस हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। एक होता है स्फेरिकल मिरर, मिरर में स्फेरिकल मिरर जो कहते हैं हम लोग। स्फेरिकल मिरर ये होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का कर्व मिरर विच ए पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर एंड स्फेरिकल मिरर आर द टू टाइप्स, दे आर द नोन एज द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो ये कॉनकेव मिरर दे आर द सरफेस इज द पॉलिश आउटसाइड। तो एक मिरर जिसका जो सरफेस होता है वह आउटसाइड पॉलिश होता है, जैसे ये पॉलिश हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव। दूसरा एक मिरर होता है दे आर इनसाइड पॉलिश। तो जो इनसाइड पॉलिश होते हैं कॉन्वेक्स। तो टू टाइप ऑफ मिरर, द वन फेस इनसाइड फेस इज द पॉलिश, दे आर द मोन एज द कॉन्वेक्स मिरर एंड देर आउटसाइड द पॉलिश इज द मोन एज कॉनकेव मिरर। अब इसमें क्या होता है कि जब आउटसाइड मिरर है इसमें जो भी रे जाएगा, क्योंकि इसके बाहर क्या है पॉलिश है, तो इट रेज बी कम बैक, और यह कम बैक होगा कहां से? इसके फोकस। अब इसमें इनसाइड पॉलिश है, इसमें रेज हम आउटसाइड से लाएंगे, तो यह क्या होगा? अभी इधर करेगा, इसको हम डॉट 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 इधर काट देते हैं, ये भी हमारा फोकस हो गया। तो यह हो गया कॉनकेव मिरर क्या होता है। ये कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अब ये हो गया ये कॉनकेव हो गया, तो कॉनकेव हो गया रेज आया, आउटसाइड पॉलिश है, रिफ्लेक्ट हुआ। तो रिफ्लेक्शन के बाद यह रेज कहां से क्रॉस करेगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है इसे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, इसको प्रिंसिपल फोकस भी करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है तैयार होना है फोकस पॉइंट, उसे हम फोकस पॉइंट के नाम से जानते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसका इनसाइड पॉलिश होता है। जब इनसाइड पॉलिश होता है इसमें हम इसका नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर।
फ्रॉम वन जी मिरर, मिरर होता है और यह जो काम करता है इसमें जो रेज आते हैं ये क्या होते हैं, ये डाइवर्ट होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। तो एयर नेम है तो कॉनकेव को, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर, एंड दैट रेज आर फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल रेज मीट एट द फोकस। तो इसमें जितने भी रेज आएंगे जब वो सर्फेस से रिफ्लेक्ट होंगे तो रिफ्लेक्ट होने वाले कहां जाएंगे, फोकस से जाएंगे। इसका मतलब यह जो मिरर होता है यह सभी रेज को फोकस में मिलाने का काम करता है और यह फोकस में मिलाकर यह रिफ्लेक्ट करता है, डाइवर्ट करता है, इसलिए इसको डाइवर्टिंग मिरर कहते हैं। इसलिए ड्रॉ है उसके डॉट डॉट लाइन को खींच करके उसको फोकस पे मिलाते हैं। अब आएंगे टर्म यूजिंग द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है उसमें हमारा क्या करता है, कौन सी बात है, नेम आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट सी, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच टू द मिरर, मिरर इज ए पार्ट सीपी, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ तीसरा शब्द है पोल, तो पोल का मीनिंग होता है द प्रिंसिपल एक्सिस मेन मीन, जिसे हम लोग पोल कहते हैं। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर जो सेंटर होता है यानी प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन मिरर के जहां तक मिलता है उस पॉइंट को कहते हैं पोल कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर जाता है सीधी लाइन उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। उसमें यह जो लाइन है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यह प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द रेज कट एट द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद रेज प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे काटता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इट इज डिनोट बाय द एफ कैपिटल एफ, कैपिटल एफ इन कॉन्वेक्स मिरर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड गेट डाइवर्ज एंड अपीयर टू द कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो अब इसमें कहा कि इसमें तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें जब रे डाइवर्ज हो गया तो इधर तो मिलेगा नहीं, इसी को हम ड्रॉ बैक करते हैं और जब ड्रॉ बैक करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा उसको करते हैं प्रिंसिपल फोकस करते हैं। अब इसके बाद आता है फोकल लेंथ, तो फोकल होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल से प्रिंसिपल फोकस का जो गैप होता है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस से दोनों है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। इन स्फेरिकल मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। अब ये कह रहा है इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वह फोकस का क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि कैसे ट्वाइस होता है, इसको जानो। जैसे मान लो हमने यहां पे इमेज ड्रा कर दिया, कॉनकेव मिरर ले लिया, आउटसाइड का क्या ट्वाइस ठीक है। अब मान लो कि रेज, ओके ये रेज दे आर कम, ओके तो अब यहां पे मान लो कि एक रेज जब चला तो क्या हो गया ठीक, तो रेज पैरेलल होगी। तो अब यहां से कांस्टेंट जोड़ देते हैं उसको, तो अब यहां पे ये तो जो फोकस आ गया ये है नॉर्मल, तो इसके जो क्या अब मान लो एक रेज हमने यहां से मिला दी आर पे हमने या सी पर इसको प्रयोग करते हैं सी से, यह हमारा पॉइंट पी है और एक है एफ, ओके। तो ये लाइन की पासिंग यहां पे जो लाइन पास होता है तो ये जो लाइन सी से आता है ज्यादा बिहेव लाइन के क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल से बिहेव करता है। तो यहां पर जो एंगल बना मान लो ए आई हो गया, ये भी एंगल क्या होता है आर हो गया बाय लॉ रिफ्लेक्शन। तो चूंकि आई और आर का इक्वल होते हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं मान लो ए बी सी बी, यहां पर लिख सकते हैं
ए बी पैरेलल सी, तो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, सी बी एफ बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन आप चूंकि यहां पूछ सकते हैं एंगल ए बी एफ, एंगल ए बी एफ इक्वल टू एंगल ए बी एफ इक्वल टू एंगल एफ बी एफ पी, एंगल बी एफ पी अल्टरनेट्स हो जाएगा। जब अल्टरनेट्स हो जाएगा तो अब यहां आपको मालूम हम यहां पे इमेजिन कर लिए। ओके, तो इमेजिन कर लिए तो अब यहां पर वो ट्राइंगल बन रहा है, यह इमेजिन लाइन है, तो अब निकालते हैं इन ट्राइंगल बी बी सी, इन ट्राइंगल बीबीसी, तो बीबीसी में क्या जाएगा अब यहां पर, तो चूंकि इसका अल्टरनेट यहां पे बन रहा है आई, तो जाएगा टेन आई पर, टेन आई पर बीपी अपॉन सीपी, बीपी अपॉन सीपी, इसको ही प्रश्न नंबर छह करना है। अब एक एंगल यहां पर बन रहा है जो I प्लस R इक्वल होगा तो यहाँ 2I, क्योंकि I इक्वल टू I होता है, I इक्वल टू R में होता है, तो अब यह पूरा एंगल आ गया है हमें, तो I प्लस R, तो R और I इक्वल होते हैं, तो चाहे R I में कन्वर्ट कर दो या I बार में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा इन ट्रायंगल BPF, इन ट्रायंगल BPF यहाँ हो जाएगा tan 2I इक्वल टू BP अपॉन PF, बीपी अपॉन पी एफ जो हमारा। अब यहां पर हम अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो अब यहां इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो जाएगा टेन आई अपॉन टेन टू आई इक्वल टू बीपी अपॉन सीपी, और यहां पर जाएगा बीपी अपॉन सी एफ, बीपी से बीपी क्या कट जाएगा, तो जाएगा वन बाई टू इक्वल टू सी एफ अपॉन सीपी, क्या गया सी एफ अपॉन सीपी आ गया, जब सी एफ अपॉन सीपी आ गया तो अब फिगर में जो जाएगा वन बाई टू इक्वल टू सी एफ, क्या फोकल लेंथ स्मॉल फोकल लेंथ, और सीपी क्या है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, यहां क्लास में कर दिया आर इक्वल टू टू एम, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वह उसके फोकस का क्या होता है ट्वाइस होता है, तो यहां लिखा है आर इक्वल टू एफ या एफ इक्वल टू आर बाई टू, तो यहां दोनों कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी आर डिस्कस मोर अदर टर्म्स ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो अब जैसे इसके बाद हम क्या करेंगे इमेज कंडीशन, तो ऑप्शन बताएंगे इमेज आर लर्न टाइप्स रियल एंड वर्चुअल, तो कब रियल बनता है कब वर्चुअल बनता है इस पर डिस्कस किया जाएगा इन द नेक्स्ट वीडियो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।